कंपोजिशन का ये परीक्षा बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 13 है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3 अपॉन 6x-4। इसमें हमें निकालना है एफ कंपोजिशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्रूफ करना है ना। ये प्रूफ करना है हमको एफ कंपोजिशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं इसको हम, तो यहां पे लिख देंगे एफ एफ एक्स। ठीक है, जो बाहर वाला रहता है उसको अपन वैसे ही रहने देते हैं और जो अंदर रहता है उसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर ये फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पर आप वैल्यू रखेंगे 4x+3 6x-4। अब आपको क्या करना है, अब आप यहां पे जो 4x+3 6x-4 आ रहा है, तो ये जो फंक्शन था पूरा, इस फंक्शन में जहां जहां पर एक्स आया है उसकी जगह पर आप क्या रख देंगे, उसकी जगह पर आप 4x+3 अपॉन 6x-4 रखेंगे, फिर देखते हैं सॉल्व करके हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो हमने यहां पर इसकी जगह पे 4x की जगह पे ये पूरा रखेंगे 4x+3 अपॉन 6x-4 फिर +3 डिवाइडेड बाय 6x की जगह फिर से 4x+3 अपॉन 6x-4-2। ठीक, इस तरीके से आ गया है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करते हैं, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ एलसीएम कितना आ जाएगा, 6x-4, 6x-4, 4 4 16, 16x, 4 3 12। अब देखिए यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब यहां पर अपन एलसीएम लेंगे तो ये इधर पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 6x-4। नीचे भी इसी तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x-4, 6 4 24x, 6 3 18 -4, 6x-4, 6x-4 से 6x-4 कैंसिल। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले जो इससे हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए 16x+12+18x-12, here 24x+18, और यहां पे आ जाएगा +18 -24x+16। तो यहां पे 24x से 24x कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 12 से 12 कैंसिल हो गया, 16 और 18 इनको प्लस करो ये आता है 34x, और नीचे भी आ गया 34, 34 से 34 कैंसिल, ये आ गया x। तो यहां पे क्या आ गया, f कंपोजिशन f x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना था f कंपोजिशन f इज इक्वल टू x। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका इनवर्स भी निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एफ इनवर्स एक्स इजिकल टू वाई है ना, तो एफ वाई इजिकल टू क्या आएगा, एक्स। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं,
इस फंक्शन में जहां पर x आ रहा था उसकी जगह पर y रखते हैं, तो 4y plus 3 6y minus 4 is equal to अपन ले लेते हैं x, और is equal to x लेने के बाद इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4y plus 3 is equal to 6xy minus 4x, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करके हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, है ना? तो यहां से हम एक काम करते हैं, y वाले साथ में ले रहे हैं, 4y minus 6xy, ये 3 इस तरफ आ गया, तो minus 4x minus 3, ठीक है। अब यहां से हम चूंकि y को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 minus 6x माइनस कॉमन निकाल लिया, 4x प्लस 3, y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 3 और 4 माइनस 6x। अब यहां पे माइनस है, तो माइनस का मल्टीप्लाई मैं यहां पर नीचे कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4, ठीक है, ये आ गया। तो ये जो आया है ये कहलाएगा इनवर्स, है ना, यानी कि y is equal to आया है, तो ये हो जाएगा f inverse x is equal to 4x plus 3 6x minus 4। तो यहां पे एक्चुअली क्या आया है, यहां पे आया है f inverse is equal to f, तो यहां पे इस क्वेश्चन में इस तरह से भी करने के लिए आ सकता है कि f inverse f के बराबर है।